जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आप लोगों के लिए सैमसंग गैलेक्सी M21 का 1.3.1 अपडेट के बाद नए फीचर्स के ऊपर पार्ट टू वीडियो लेकर आ चुका हूं। और पिछले वाले जो पार्ट वन वाला वीडियो है वहां पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, इसलिए सभी को थैंक यू। तो इस वीडियो में भी मैं बहुत सारा फीचर दिखाऊंगा आप लोगों को जो हो सकता है आप लोगों को पता नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि कुछ फीचर ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर फीचर्स कैमरे के अंदर ही है, इसलिए मैं कैमरे के फीचर्स के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद बाकी जितने भी फीचर है बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर मेरे एक सब्सक्राइबर भाई प्रीत भाई ने बताया है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर DM किया था। तो अगर आप अपने कैमरे के अंदर जाओगे और वहाँ पर वीडियो सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कैमरे के तरह ही ऊपर वाइड एंगल का एक ऑप्शन है। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन का जो वीडियो मोड में भी आपका फ़ोन का कैमरा वाइड एंगल पर स्विच हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वाइड एंगल पर ये स्विच होने के बाद बहुत सारे एरिया कवर कर रहा है। तो ऐसे ही आप वीडियो के अंदर भी वाइड एंगल पर वीडियो शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताऊँ तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि वाइड एंगल अगर ऑफ है तो कैसा वीडियो आ रहा है और ऑन है तो कैसा आ रहा है, दोनों ही साइड बाई साइड आप कंपेरिजन देख सकते हो। और ऐसे ही आप मतलब वीडियो के अंदर वाइड एंगल पर वीडियो क्लिक कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग फीचर लगा जो 1.3.1 के अंदर आया है, तो आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो अगला नया फीचर कैमरे के अंदर आया है ये बेसिकली वीडियो के लिए ही है, ये वीडियो स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही था, एक सुपर स्टडी मोड नाम से ऑप्शन था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन है जिसको आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो तो आपको स्टडी मोड को इनेबल नहीं करना पड़ेगा और इससे ही आपका वीडियो स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर साइड बाय साइड आप तीन वीडियो का कंपैरिजन देख सकते हो, एक वीडियो है नॉर्मल और एक स्टडी मोड ऑन करके और एक स्टेबलाइजेशन जो सेटिंग्स के अंदर है उसको ऑन करके। तो यहाँ पर जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टडी मोड के अंदर डिटेल्स बहुत ही कम है, लेकिन स्टेबलाइजेशन उसका बहुत ही अच्छा निकल के आया है। उसके अलावा अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑप्शन जो इनेबल किया हुआ है उस वीडियो पर देखोगे तो यहाँ पर जो नॉर्मल वीडियो का डिटेल्स आता है वैसे ही वहाँ पर भी शो कर रहा है, लेकिन स्टडी मोड से थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन कम है। और उसके अलावा जो नॉर्मल वीडियो आप देख ही सकते हो कि कितना शेकी वीडियो है। सो अगर आप स्टेबलाइजेशन मोड को ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको स्टडी मोड से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मिले। तो यहाँ पर जो अगला न्यू फीचर है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फीचर लगा, क्योंकि आपका जो पैनोरामा मोड है उसके अंदर वाइड एंगल का ऑप्शन आ चुका है। मतलब अभी अगर आप पैनोरामा मोड के अंदर जाओगे तो आपको वीडियो के तरह ही नीचे एक दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो नॉर्मल है और दूसरा है वाइड एंगल। तो इस पर अगर आप स्विच करोगे तो आप जैसे कि देख सकते हो वाइड एंगल कैमरा का जो सेंसर है उस पर ये स्विच हो चुका है, और यहाँ से आप वाइड एंगल कैमरा सेंसर को यूज़ करके पैनोरामा फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कैमरा सैंपल दिखाऊं तो आप यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो एक नॉर्मल पैनोरामा शॉट है और एक वाइड एंगल पैनोरामा शॉट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वाइड एंगल पैनोरामा शॉट है वो नॉर्मल से कितना ज़्यादा एरिया कवर किया है। तो यहाँ पर जो अगला न्यू फीचर ऐड हुआ है ये है प्रोमोट के अंदर, और पिछले वाले क्यूएनए वीडियो पर मैंने थोड़ा सा एक गलत बता दिया था आप लोगों को कि प्रोमोट के अंदर डुअल फोकस का ऑप्शन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई E3 गेमिंग ने मुझे बताया कि ये डुअल फोकस नहीं है, बेसिकली एक फोकस है और दूसरा है एक्सपोजर। मतलब आप दोनों को यूज़ करके जो फोकस है उसको लॉक कर सकते हो, एक को यूज़ करके और दूसरे को यूज़ करके आपका एक्सपोजर लॉक कर सकते हो। और आप यहाँ पर जैसे कि देख भी सकते हो कि अगर मैं एक्सपोजर वाले सर्कल को मूव करूँ और जहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ उसी के हिसाब से एक्सपोजर चेंज भी हो रहा है। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो प्रोमोट के अंदर। तो यहाँ पर अगला जो फीचर है ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने ही बताया है, इनका नाम है कुंदन कुमार, और इन्होंने बताया कि जो स्लो मोशन या फिर सुपर स्लो मोशन मोड है उसके अंदर आप फ्लैश भी यूज़ कर सकते हो इस बार 1.3.1 अपडेट के बाद। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि स्लो मोशन के अंदर फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको ऑन कर सकते हो, और सुपर स्लो मोशन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी फ्लैश का ऑप्शन है। तो चलिए इसका भी साइड बाई साइड कंपेरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सुपर स्लो मो वीडियो में फ्लैश ऑन है और दूसरे में फ्लैश ऑफ है, तो आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि कौन से वीडियो में डिटेल ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगला जो फीचर है ये डायलर के अंदर, मतलब पिछले बार जो 1.3.0 का अपडेट आया था उसके बाद आप कॉल बैकग्राउंड चेंज कर सकते थे, और इस बार उसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। मतलब अगर आप कॉल बैकग्राउंड के अंदर जाओगे और वहाँ पर बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन देख सकते हो। पहला वाला ऑप्शन है कि चूज़ फ्रॉम गैलरी, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है क्रिएट यूजिंग AR इमोजी। मतलब AR इमोजी को यूज़ करके आप कॉल बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको AR इमोजी क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा क्रिएट किया हुआ है पहले से ही। तो मैं यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करूँगा
और सिलेक्ट करने के बाद आपको, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो सभी मूवमेंट शो कर रहा है और मूवमेंट के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है और उसके साथ यहाँ पर म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है। तो कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। मैं एक चूज करके आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है और सेव पर क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है, मतलब उस वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको आप कॉल रिंग टोन की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं सिंपली एनेबल कर दूंगा और उसके बाद जब भी आपको कॉल आएगा आपको AR इमोजी कॉल बैकग्राउंड शो करे। तो यहाँ पर जो अगला फीचर है मुझे बताया है क्रिस्टोफर अनिल ने, ये फीचर बेसिकली आपका जो होम स्क्रीन का सेटिंग्स है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एक नया सेटिंग्स है फोल्डर ग्रिड का, मतलब आपके होम स्क्रीन के अंदर अगर कोई फोल्डर है तो उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है उसका ऑर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जैसे 3x4 या फिर 4x4। अगर आप 3x4 ऑर्डर सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फोल्डर के अंदर ऊपर फर्स्ट रो में 3 एप्लीकेशन है, और अगर आप 4x4 सेलेक्ट करते हो तो आप फोल्डर के अंदर जैसे कि देख सकते हो कि फर्स्ट रो में 4 एप्लीकेशन आ चुका है, 4 एप्लीकेशन आ चुका है। तो बेसिकली आप यही चेंज कर सकते हो इस सेटिंग्स को यूज़ करके। तो यही था सारा कुछ फीचर। तो अगर आपके पास भी कुछ नया फीचर है जो मैंने पार्ट वन और इस वाले वीडियो पर, मतलब ये वीडियो पर नहीं दिखाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। अगर मुझे 4 या फिर 5 ऐसे नए फीचर मिल जाए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो तो मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।